Good morning class, how are you all? Hope so you all are good, all are fine. आप लोग अपना अपनी फैमिली का फ्रेंड्स नेबर का ध्यान रख रहे हैं. सो स्टूडेंट्स फाइनली वी आर ओनली वन वीक फॉर हम सिर्फ एक हफ्ता दूर हैं सब एक दूसरे से. ओके आफ्टर वन वीक वी ऑल मीट. होप सो यू ऑल्सो एक्साइटेड एज योर टीचर्स. सो स्टूडेंट्स ये हमारे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं. दिस इज योर केमिस्ट्री पीरियड. ओके एंड यू नो अबाउट विच चैप्टर इज गोइंग ऑन दैट इज केमिकल एंड मॉलिकुलर बॉन्डिंग. स्टूडेंट्स आई नो आपने एग्जाम में तो शायद ये वीडियोज नहीं देखी होंगी. ठीक है आपने पढ़ा भी नहीं होगा बट जैसे कल संडे था तो होप सो आप लोगों ने सारी वीडियोज देखी होंगी और अपने चैप्टर कवर कर लिया होगा क्योंकि बहुत ईजी थी. ठीक है तो चलिए हम हमारे चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. द चैप्टर इज केमिकल एंड मॉलिकुलर बॉन्डिंग. इसमें जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉरी वॉट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल मूवमेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट हाउ टू फाइंड डाइपोल मूवमेंट ये सब मैंने आप लोगों को बताया था. एंड इन टूडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने कितने टाइप्स के होते हैं. तो चलिए आप टेक आउट योर पेन्स योर बुक्स एंड ऑल बुक्स. ओके एंड लेट्स बिगिन आवर चैप्टर केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. Which chapter? Chemical and molecular bonding. हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है. आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. माय डियर स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. The first one is intermolecular. H bonding. And the second one is intramolecular H bonding. ये हमारे टाइप्स होते हैं. अब देखिए इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. देखिए दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन नेगेटिव बिटवीन पॉजिटिव एंड बिटवीन पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ अ कंपाउंड. एक कंपाउंड के पॉजिटिव एंड से लेके नेगेटिव एंड तक जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके एंड इंटरमॉलिक्यूलर फॉर स्टूडेंट्स नेगेटिव एंड ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. हियर द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक एलिमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल. ओके एक ही मॉलिक्यूल के जब टू डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड बनता है उसे
क्या कहा जाता है माइक्रो स्टूडेंट्स, इंट्रा मॉलिकुलर कहा जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए इनके बीच में जो बॉन्ड है दिस वन जो यहाँ से जोड़ रहा है, ठीक है, दिस बॉन्ड इज कौन सा बॉन्ड है, ये इंट्रा मॉलिकुलर बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा मॉलिकुलर बॉन्ड होता है। ओके ओके, अब हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं सॉरी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बॉन्डिंग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप ये लीजिए, सपोज एच ओ मेरा एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड ले लीजिए, यहाँ पे फ्री कितने हुआ है एच एफ, ठीक है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, हमारा इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किस किस पे प्रभाव पड़ता है, किस किस प्रॉपर्टी को ये अफेक्ट करती है, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज विच आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। द फर्स्ट वन इज एसोसिएशन, द सेकंड वन इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसलिए इसके बारे में देखते हैं पहले अबाउट एसोसिएशन। लिक्विड का बॉन्ड है तो जोड़ने का काम ही करेगा, एंड विल बी लिक्विड विद is said to be insoluble in water.
if it does not form a hydrogen bond by the hydrogen bonding. देखिए association hydrogen bonding होने की वजह से जो molecule होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से उनका उन्हें पिघलाने के लिए या उबालने के लिए ज़्यादा temperature की ज़रूरत होती है. ठीक है, solubility की मैं बात करती हूँ. A substance is said to be insoluble in water if it doesn't form. हम एक चीज़ को या एक substance, एक compound को कब water insoluble बोलेंगे? जब वो पानी में नहीं घुल सकती, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती. अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो उस बॉन्ड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेती, वो ऐसा नहीं कर पाती. सो दैट्स वाई दे बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर. एग्जाम्पल, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. क्लियर है? चलिए, द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज अफेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाई विस्कोसिटी एंड लो वोलेटिलिटी. विस्कोसिटी का मतलब होता है उसकी क्षमता भाप बनकर उड़ जाने की, टू वेपराइज. अगर कोई ज़्यादा वेपराइज हो रहा है तो उसका मतलब उसकी हाई विस्कोसिटी है. अगर कोई कम भाप बन के उड़ रहा है या इजी नहीं उड़ रहा है तो उसका मतलब उसकी लो विस्कोसिटी है. ठीक है, थोड़ी वॉलिटिलिटी. विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन. ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन. जैसे शहद होता है, जो हनी होता है वो क्या होता है? काफ़ी डेंस होता है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इसमें होता है. चलिए देखते हैं द थर्ड प्रॉपर्टी वुड बी हाई विस्कोसिटी एंड लो वॉलिटिलिटी. वॉलेटिलिटी मतलब भाप बन के उड़ने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, और विस्कोसिटी उसका गाढ़ापन, हिंदी में बोलते उसको सांद्रता. ठीक है, ठीक है. सर्टेन सब्सटेंस आर यहाँ पे. आप लोग कोई डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सबने लिख लिया होगा. तो चलिए, अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो आपको आपके होमवर्क में करने हैं. इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन. ओके, ये क्वेश्चन बस नाम नाम के हैं, मैंने आपको टॉपिक ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, धीरे धीरे यही करेगी, समझ लेना बस.
फर्स्ट क्वेश्चन है bonding does not exist in HCI. Why? Exist in
हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपके इंटरनल होंगे उनके हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। और हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। वैसे मैं चाहती थी आपको मैं सामने से समझाऊँ, वीडियो में इतना अच्छे समझ ना आए, बट क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है और अभी आप लोगों को स्कूल आने में भी टाइम है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर, ओके। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, और स्पेशली जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, उसको तो बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आपके चैप्टर इतनी लेंथी लेंथी हैं कि बस क्या करें, हमें लगता है कि कब खत्म होंगे, कब हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ यू, विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, ओके। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।